हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बेसिक वेल्ड सिंबल्स। देखिए, सिंबल्स हम यूज करते हैं जो वेल्डिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला है फिलेट। जहां पे फिलेट वेल्ड होता है उसके लिए कौन सा सिंबल होगा? तो हमारे पास फिलेट क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से वर्क पीस है और एक वर्क पीस यहाँ पे लगा है, तो इसका जो फिलेट है वो यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये, इसको कहते हैं फिलेट। तो इस तरह से तो इसका जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और ऐसे और एक ट्रायंगल की तरह ये हो जाएगा। तो फिलेट आपने सुना होगा कि हम फिलेट लगाना चाहते हैं, साइड से कट लगाना चाहते हैं, तो ये फिलेट होता है। तो हमारे पास वेल्डिंग जब इस तरह से होती है तो हम उसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर बट ज्वाइंट। तो देखिए, बट ज्वाइंट हमारे पास, हमें पता है कि इस तरह से होता है, लेकिन जब हम ये दो पीसेस हैं जो उसके ऊपर कट ना लगाएं, कोई भी साइड से कोई भी कट ना लगाएं और सीधी सीधी वेल्डिंग कर दें, इसके ऊपर सीधा ऐसे ही वेल्ड कर दें, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर बट ज्वाइंट। इस तरह से तो मैंने ना ज्वाइंट्स पे भी अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले वो देख लें तो ज्यादा इजी रहेगा। मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए ये आ गया। अब इसको शेप को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि इसकी ये जो एजेस हैं वो सीधे हैं ना, देखो इस तरह से सीधे हैं, तो हम इसको सीधा दिखा के इस तरह से दिखा देंगे कि ये देखिए ये स्क्वायर बट ज्वाइंट बन गया। तो इसके ऊपर स्क्वायर बट सिंबल जो है इस तरह का वो ये होगा। तो अगला है हमारे पास सिंगल वी। तो इसका सिंबल वी किस तरह से होगा? फिर देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट, अब वी बन रहा है तो वी, सिंपल सा है कि वी बन रहा है तो वी बना दिया हमने भी, लो बस ऊपर एक छत डाल दी इसके ऊपर, तो वो छत का सिंबल क्या है कि वेल्डिंग वाला सिंबल है। तो डबल वी कैसा होगा सिंबल? जैसे ये बना वैसा ये बनेगा, देखो वी ऊपर, सॉरी ये रेड यूज कर लेता हूं, वी ऊपर वी नीचे इस तरह से, और ये डबल वी बन गया। तो ये डबल वी बन रहा है, सिंगल यू। और अब आपको इजी लगने लगा, तो इसका सिंबल कैसे होगा? जैसे हमने वी बनाया अब वैसे यू बना देना है, तो आपको इजी कितना लगेगा आप देखना। अब डबल डबल यू का इस तरह से हम इसको छत बना देंगे इस तरह से। तो ये एक बार एक है, सिंगल बेवल में क्या है कि हमारे पास इस तरह से प्लेट है एक, और दूसरी प्लेट यहाँ पे लगाई हुई है, और इसको मैं क्या करता हूँ एक बेवल कर देता हूँ, एंगल पे काट देता हूँ, तो इस तरह से, तो इस तरह से काटते हैं तो वेल्डिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना वेल्डिंग। तो इसका सिंबल किस तरह दिखे? जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है, तो इसके ऊपर छत, ये समझ रहे हैं? तो यहां पे इस तरह से, ये इस तरह से जैसा दिखता है वैसा इन्होंने बना देना है। तो हमारे पास डबल बेवल, तो अब देखिए शेप कैसी दिख रही है इसकी, अब आपको दिख रही है यहां पे सीधी और यहां पे इस तरह के की तरह, तो ये देखो सिंबल बन गया। इजी है ये चीज समझनी, ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ हमारे पास है सिंगल जे बट ज्वाइंट। तरह से जे बन जाता है तो ये सिंगल जे बट ज्वाइंट कहता है, तो सिंगल जे बट ज्वाइंट कहलाएगा। तो इसका सिंबल वैसे फिर से जे बना दो और ये ऊपर एक ये सीधा कर दो इसको, और ये ऊपर छत बना दो इसकी, तो ये सिंगल जे बट ज्वाइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए सिंगल आ गया, अब डबल जे है, जैसे यू की तरह ही बन रहा है ना ऐसे, लेकिन दूसरी तरफ कट नहीं लगा रहे हैं इसके लिए, वो जे बन गया, अगर दोनों तरफ कट होता तो यू बन जाता वो, समझ रहे हैं? तो हमारे पास यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी और ये एक जे ऊपर भी और जे नीचे भी बन जाएगा, तो इसका नाम डबल जे रख दिया। डबल जे के लिए फिर से वही देखिए सिंबल, ये जे का और जे का सिंबल यहाँ पे, यहाँ पे भी, और इसकी एक डंडी इस तरह और छत इस तरह से, तो ये हमारे पास डबल जे बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास बीड, ठीक है, बीड का मतलब है बीड लाइक, उसका दूसरा नाम ये आ जाता है एज ज्वाइंट भी बोल देते हैं एज। तो ये क्या है हमारे पास, इस तरह से दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, इसको दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, इसके ऊपर
एक जो वेल्डिंग कर देंगे, तो वेल्डिंग कुछ इस तरह से होगी कि ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक बीड बन जाएगी इस तरह से, इसका सिंबल बनेगा ये वाला, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टड। स्टड तो स्टड क्या है कि हमने एक जैसे नट लगाना होता है ना, इसी तरह अगर जमीन में या किसी नीचे जमीन में पिलर में हमें लगाना हो, इस तरह से स्टड लगाना हो, तो हम इसको स्टड जॉइंट बोल देते हैं। इस तरह से ये स्टड है और ये यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, तो ये इस तरह या लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो वेल्डिंग होगी वो यहीं पे होगी, यहीं पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पे वेल्डिंग होगी, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, बस एक परपेंडिकुलर की तरह सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए 13th हमारे पास है सीलिंग रन। सीलिंग रन, अब इसमें क्या है कि अगर कहीं पे सीलिंग बंद करनी है आपने, ठीक है, तो वो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा कि सिर्फ एक पॉइंट पे हमने वेल्डिंग कर देना है बस, कि यहां पे है और ये एक ज्वाइंट, सॉरी ये एक मेंबर यहां पे है, ठीक है, एक यहां पे है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ यहीं पे वेल्डिंग कर देंगे बस। तो सीलिंग बचाने के लिए, सील है ना, तो सीलिंग करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे इस तरह से बना देंगे। अभी देखिए राउंड दिख रहा है ये, तो हम इसका सिंबल भी राउंड ही बना देंगे, इस तरह से राउंड बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए 14th हमारे पास है स्पोर्ट। स्पोर्ट वेल्डिंग आपको अलग से बताई हुई है, तो स्पोर्ट वेल्डिंग के लिए क्या है कि यहां से एक पीस है और यहां पे एक पीस है, और इसका एक स्पोर्ट पे करना है वेल्ड, तो स्पोर्ट पे वेल्ड करना है तो यहां पे वेल्ड कर देंगे, यहां पे वेल्ड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका सिंबल थोड़ा सा अलग है, तो स्पोर्ट के लिए इस तरह आपको याद करना पड़ेगा कि क्रॉस की तरह, तो आपको क्रॉस की तरह इसको याद करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट के बाद सीम। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग क्या है कि लगातार सीम की तरह चलता है, जैसे हमने एक मान लो पाइप है, तो पाइप के ऊपर हमने वेल्ड करना है जब, तो हम सीम वेल्डिंग करेंगे उसके ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे है, और एक सीम की तरह चलना है, तो इसके ऊपर वेल्ड जो करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, और ये सीम के लिए आप क्रॉस ज्यादा लगा देंगे, देखो इस तरह से क्रॉस लग देंगे, और ये अगर इस तरह से क्रॉस लगते हैं तो हमें पता लगता है कि लगातार चलना है, ये सीम वेल्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है स्टिच। स्टिच स्टिच वेल्डिंग में क्या है कि एक जगह स्टिच करना, जैसे बटन लगाते हैं ना, स्टिच बटन कहते हैं जैसे, तो स्टिच करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से दो प्लेट्स हैं और इनको स्टिच करना है, आपस में जोड़ना है, तो वहां पे ये वाला अलग अलग, देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन में जाना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल वर्जन क्या है इनका। तो यहाँ पे देखिए एक आप इधर के बना दोगे उल्टा, और एक सीधा, सीधा के और उल्टा के, इस तरह से जब बनता है साइन, तो हमें स्टिच वेल्ड कहना होता है उसे। तो ये थे वेल्ड सिंबल, ये बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे, इस चीज को आप जरूर याद करें, और आपको इंडस्ट्री में ये काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम, और साथ में लिख दीजिए गेयर इंस्टीट्यूट, अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।